हेलो सो नमस्कार, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों, यहाँ पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जो है दोस्तों सिलेबस जारी कर दिया गया है। जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल सी पीईटी पास किया है और जिन लोगों ने एएनएम या फिर मिडवाइफ नर्सिंग का कोर्स किया है दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला स्वास्थ्यकर्ता का जो है पद निकाला गया है, जिसमें करीब 9212 पदों की संख्या है। तो आप इस भर्ती में एलिजिबल हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम कि आपके लिए जो है सिलेबस क्या रहेगा, आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम निम्नमत है। तो टोटल जो है आपके हम प्रश्नों की संख्या होगी, टोटल 100 संख्या होगी, जिसमें कुल एक क्वेश्चन जो है एक अंक का होगा, लगभग 100 अंक के होंगे। तो टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। समय की बात करें, करीब 2 घंटे की पेपर है ये। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं, लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समय अवधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु ऋणात्मक अंक निगेटिव मार्किंग दिए जाएंगे, जो कि दोस्तों 1/4, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, 25% अंक आपका कटौती किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में दोस्तों विषयगत ज्ञान जान लेते हैं आपको, क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो आपको जो है सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपको नोट कर लेना है। स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्याओं का बाह्य रूप एवं योजनाएँ, HPPHC CME और जिला अस्पताल का संगठन, स्वास्थ्य WHO, स्वास्थ्य संस्थाएँ, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DANID, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, ये सब पढ़ना है आपको। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो कोलम्बो, ILO, KL आदि, केयर आदि, राष्ट्रीय, इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्वास्थ्यकर्ताओं के कार्य एवं दायित्व, NM के आचार संहिता, समुदायों के लोगों को सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण बीमारी की आपसी संबंध, खाद्य पदार्थों का पोषण के आधार पर वर्गीकरण, विभिन्न आयु वर्गों के लिए संतुलित आहार, विटामिन से प्रश्न आएंगे दोस्तों। यहाँ पर बच्चों से प्रश्न आएंगे, 5 वर्ष तक के बच्चों का पोषण, खाना पीना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भूमिका, मानव शरीर के बारे में पूछा जाएगा, स्वच्छता से क्वेश्चन आएंगे, मानसिक अवधारणा से आएंगे, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मानसिक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु उपाय, संक्रमण रोग जो होते हैं उनसे आएगा प्रश्न आएगा। इसके बाद दोस्तों समुदायों से बीमार समुदाय में बीमारों की देखभाल हेतु क्या क्या कैसे होना चाहिए, ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, डिग्री, श्वसन, रक्तचाप, स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा, सामान्य छोटी बीमारियां। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, दुर्घटना, स्वास्थ्य सेवाएँ, किशोरों के लिए जो है शिक्षा, और यही सब संबंधित जितने भी होते हैं सारा कुछ साइंस संबंधित हैं, आपको समझ लेना चाहिए यहाँ पर। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख लेंगे, एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप देख लेना। पाठ्यक्रम यहाँ से है, आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए मैं इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ, और जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। तो टोटल जो है आपका जो है टॉपिक 38 टॉपिक रहेगा, 38 जो है हेडिंग है, इन्हीं से आपको पढ़ाई करनी है। इंग्लिश आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले आप स्क्रीनशॉट कर ले लेना रोक करके दोस्तों। यही है आपका सिलेबस कंप्लीट, आपको यही पढ़ेंगे तभी जो आपको जो है परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। प्रियंका सिंह उप सचिव, तो ये देखिए सेक्रेटरी हैं, डिवाइस सेक्रेटरी। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार ऊपर देख लेता हूँ क्या लिखा हुआ है। महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त 9212 पदों की प्राप्त अधियाचन के क्रम में शासनादेश संख्या इतना दिनांक 3 नवंबर 2021 के अंतर्गत परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधियाचन के सापेक्ष आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञापन आयोग की
वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में उपस्थित हुए अभ्यर्थीगण ही उक्त अध्याचन के सापेक्ष प्रकाशित किए जाने वाले विज्ञापन में निर्धारित अर्हता धारित करने पर आवेदन कर सकेंगे। मतलब आपको यहाँ पर पेट का जो है स्कोर होना चाहिए, पेट में शामिल होना चाहिए। जो पेट में शामिल नहीं है उसके लिए काफ़ी यहाँ पे समस्या है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। बस यही है, 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग होगा, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ 4-5 पॉइंट। बाकी हमने सिलेबस आपको दिखा ही दिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं।